हेलो बच्चों, माय सेल्फ संजय सानी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिग्मा एजुकेटर। और हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शन के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग नेम रिएक्शन में राइमर टाइमर रिएक्शन पढ़े थे, आज हम लोग उसके आगे हम लोग रोजन मुंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जितनी नेम रिएक्शन होती हैं सारा इसमें एक एक करके मैं अपलोड कर दूंगा, बाकी चैप्टर वाइज तो हम पढ़ते ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेम रिएक्शन के लिए मैं अलग से ये सब चीजें बनाता हूँ, क्योंकि ये सब एग्जाम्स के लिए, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, नीट हो, IIT हो, चाहे जो भी है, यहाँ से बहुत सीधे सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट होता है ये चीजें। तो आज हम लोग बात करेंगे रोजन मुंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में, ये क्या होता है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि रोजन मुंड रिडक्शन रिएक्शन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। तो इसका यूज हम लोग एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में करते हैं, और एल्डिहाइड का प्रिपरेशन किससे होता है यहाँ पे, तो वो होता है एसिड क्लोराइड से। ठीक है, तो एसिड क्लोराइड का हम लोग रिडक्शन कराएंगे, एसिड क्लोराइड का रिडक्शन कराएंगे तो अपना बनेगा एल्डिहाइड। देखो कैसे बनता है, यहां पे देखो एसिड क्लोराइड कोई लेते हैं RC(OCl), ये अपना एसिड क्लोराइड हो गया, इसका हम लोग रिडक्शन कराएंगे। किसके प्रेजेंस में कराते हैं, ले लो यहाँ पे H2 ले लो, यहाँ पे हो गया पैलेडिनम। अब पैलेडिनम की जगह पे आप R करके पहले प्लेटिनम भी ले सकते हो, पैलेडिनम लो या फिर प्लेटिनम लो। और इसके साथ लेते हैं बेरियम सल्फेट, ये कैटलिस्ट यूज करते हैं। और बॉइलिंग फॉर्म में, बॉइलिंग फॉर्म में जाइलिन लेते हैं, क्या लेते हैं, जाइलिन। तो इनके प्रेजेंस में रोजन मुंड होता है। तो ये अपना एसिड 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 क्लोराइड है, इनके प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराएंगे तो होगा क्या भाई, रिडक्शन कराओगे तो क्या होगा, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है। ठीक है, और कोई निगेटिव एटम जो होता है वो रिलीज होता है, वहां से बाहर निकलता है। तो ध्यान से देखो, इधर समझो इसको, ऑक्सीजन और क्लोरीन दोनों नेगेटिव एलिमेंट है, तो दोनों में रिलीजिंग टेंडेंसी क्लोरीन की ज्यादा होती है, तो क्लोरीन यहां से बाहर हो जाएगा। तो RC(OO) एक यहाँ पे एच करेक्ट हो जाएगा, और एक एच जो है Cl के साथ HCl आपका बना सकता है ऐसे, ये चीज। तो ये तो आपको पता ही है कि अपना एल्डिहाइड होता है RCHO, एल्डिहाइड एल्डिहाइड। तो रोजन मुंड के लिए आप ये चीजें जान लो, इसमें कोई बहुत इसकी मैकेनिज्म चीजें रहती नहीं है, सीधा सीधा डायरेक्ट पूछता है। तो ये चीजें देखो, इसमें ध्यान से देखो इस चीज को कि पैलेडियम के प्रेजेंस में कराते हैं, पैलेडियम होता है या फिर प्लेटिनम होता है, हाइड्रोजन H2 रहता है, और यहां से बेरियम सल्फेट यूज करते हैं और बॉइलिंग जाइलिन यूज करते हैं, तो इससे आपका क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। हाँ, आगे एक चीज और सीखने वाली ये चीजें है कि ये जो आपका एल्डिहाइड होता है, ये जो आपका एल्डिहाइड होता है, इसका फर्दिंग रिडक्शन होगा कि नहीं होगा, इसका फर्दिंग रिडक्शन होगा कि नहीं होगा। तो आप इसका फिर से रिडक्शन कराना चाहो, रिडक्शन, तो लिखोगे यहां पे नो रिडक्शन। ठीक है, इस प्रोसेस से एसिड क्लोराइड से इनके प्रेजेंस में जब आप रिडक्शन कराते हो तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओ तो कोई रिडक्शन नहीं होता है, वो अलग बात है कि एल्डिहाइड का हम रिडक्शन कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है, लेकिन प्रॉपर इस रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन में एल्डिहाइड का कोई रिडक्शन नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है ये समझने वाली बात है, क्योंकि जैसे यहां पर पैलेडिनम है तो H2 मिलके इसका भी रिडक्शन करा सकता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि पैलेडिनम है और H2, ये इसका रिडक्शन कराएगा एल्डिहाइड का, तो आपका बनने के लिए तो ये चीज बन सकता है, अगर पॉसिबल हो, अगर पॉसिबल हो कि जो आपका यहाँ पे एल्डिहाइड बना है इसका रिडक्शन अगर पॉसिबल हो तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल यहाँ पर जो भी बन जाएगा। लेकिन अगर पॉसिबल होता तो, पॉसिबल क्यों नहीं है, पॉसिबल इसलिए नहीं है कि आपने यहाँ यूज किया है बेरियम सल्फेट, क्या यूज किया है आपने, बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट जो होता है, जो बेरियम सल्फेट जो होता है वो
पैलेडिनम के लिए, किसके लिए? पैलेडिनम के लिए किसका वर्क करता है? पॉइजन का वर्क करता है। पैलेडिनम के लिए किसका वर्क करता है? पॉइजन का वर्क करता है। तो पॉइजन कवर करेगा तो पैलेडिनम को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो पैलेडिनम खत्म हो जाएगा, तो फिर रिडक्शन कैसे होगा भाई? नहीं होगा ना। अब बात ये आती है कि हम लोग बेरियम सल्फेट का यूज क्यों करते हैं? तो बेरियम सल्फेट का यूज करते हैं पैलेडिनम को डिस्ट्रॉय करने के लिए। क्यों डिस्ट्रॉय करने के लिए? क्योंकि अपने को यहाँ पर एल्डिहाइड चाहिए, और पैलेडिनम को अगर आप डिस्ट्रॉय नहीं करते तो इसको प्राइमरी में कन्वर्ट कर देगा, प्रॉब्लम होगी ना। अपने को चाहिए एल्डिहाइड, कन्वर्ट होकर चला जाए वो एल्कोहल में, मस्त पी रहे हो एल्कोहल बना के, तो चीजें ठीक नहीं है ना भाई। अपने को एल्डिहाइड चाहिए ना बस। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इस रिएक्शन में, बेरियम सल्फेट का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बेरियम सल्फेट होता है, बेरियम सल्फेट जो होता है ये पॉइजन का वर्क करता है। किसका वर्क करता है? पॉइजन का वर्क करता है। किसके लिए? पैलेडिनम के लिए। ठीक है, जैसे ही एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है वैसे ही इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ये प्राइमरी एल्कोहल में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? ये होता है भाई रोजेनमुंड, ये रोजेनमुंड होता है। ठीक है, आसानी के साथ समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी चीजें आप आर की जगह पे, यहाँ पे एल्काइल क्लोराइड है, एल्काइल है, एल्काइल ग्रुप है, आर जो है एल्काइल ग्रुप है, तो इसकी जगह पुट करो कोई भी रिएक्शन होगा, जैसे ये COCl, तो इस तरीके से अगर आपको रिएक्शंस मिले आगे तो सीधे सीधे आप बना सकते हो। जैसे ऐसे मिले H2PD प्लस BaSO4 जाइलीन, तो आप क्या करना भाई, यहां से देखो, यहां से देखो, ये जो COCl है इसको सीधे सीधे कन्वर्ट कर दो CHO में। यहां देखो, ये तो कॉमन रहेगा ही, बाकी ये जो COCl है इसको सीधे सीधे आप कन्वर्ट कर दो किसमें? CHO में। आपका कंपाउंड बन गया, फाइनल कंपाउंड। डायरेक्ट ऐसे आप बना सकते हो, ऐसे एग्जाम में पूछता है, इसमें यही सब बातें पूछता है, बेरियम सल्फेट का यूज क्या है यहाँ पर कैसे कैसे इसका प्रोसेस चीजें चलता है। बाकी डायरेक्ट आप बना सकते हो कि इससे ये कैसे कैसे बनेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप CO को देखेंगे, COCl देखेंगे, डायरेक्ट CHO बना दो, काम खत्म। जैसे अगर मैं आपको ऐसा कुछ देता हूं आगे इस तरीके का C डबल बॉन्ड CL, इस तरीके का, ये तो एसिटाइल क्लोराइड है, एसिटाइल्डिहाइड बन गया यहाँ पे, ये बेंजाइल क्लोराइड है, इनके प्रेजेंस में अगर आप करा रहे हो PD प्लस BaSO4 जाइलीन है यहां पे, तो ये अपना क्या बना लेगा? बेंजाइल्डिहाइड बना लेगा। ये देखो COCl है, यहां पे आराम से CHO बना लो, काम खत्म। तो कोई भी रिएक्शन होगी, कोई भी रिएक्शन होगी, आप ये कैटलिस्ट देखो, ये कैटलिस्ट और एसिड क्लोराइड देखो COCl, तो आप समझ जाओ कि रोजेनमुंड हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, सीधे सीधे यहां पर एल्डिहाइड बना लो। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? आसानी के साथ चीजें समझ में आ रही है, कुछ भी इधर जुड़ा रहा है, बस COCl देखो, उसको CHO कर दो, काम करता हूं। इज दैट क्लियर? चलो आगे कुछ चीजें देख लेते हैं इसमें। सम पॉइंट ऑफ रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन, इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। पहली बात, यहां पर क्या लिखा हुआ है? कैटलिस्ट बेरियम सल्फेट BaSO4 वर्क पॉइजन फॉर पैलेडियम। तो बात तो सही है, अभी इसको मैं बताया यहां पे कि जो बेरियम सल्फेट होता है वो पॉइजन का वर्क करता है, किसके लिए? पैलेडिनम के लिए। बेरियम सल्फेट पॉइजन का ही तो वर्क करता है, किसके लिए? पैलेडियम के लिए। यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे चीजें बताया ना, ये पॉइजन का ही वर्क करेगा, तभी तो एल्डिहाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होने देगा ये चीज। आगे देखो, दिस मेथड यूज ओनली प्रिपेयर्ड फॉर एल्डिहाइड। हाँ, ये भी बात ध्यान रखना कि जो रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन होता है इसका यूज सिर्फ और सिर्फ हम लोग एल्डिहाइड बनाने में करते हैं। कीटोन का प्रिपरेशन इस मेथड से आप नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते, अभी मैं बता रहा हूं। देखो थर्ड वाली लाइन में लिखा हूं, दिस मेथड कैन नॉट प्रिपेयर्ड कीटोन, मतलब इस मेथड से आप कीटोन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? यहां देखो, यहां देखो, जैसे मान लो यहीं पे मैं दिखा दे रहा हूं, R C डबल बॉन्ड OCl है, ऐसा कुछ है।
आप इसका रिडक्शन करा रहे हो इनके प्रेजेंस में, पैलेडिनम है, BaSO4 है, जाइलीन है, तो जब रिडक्शन कराओगे तो रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है और कोई निगेटिव एटम रिलीज होता है तो यहां से सीएल रिलीज होगा तो आपका हाइड्रोजन ही करेक्ट होगा। तो RC डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ये क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड। अब चूंकि कीटोन का फार्मूला जो होता है ये होता है, यानी कि CO के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप करेक्ट होता है, ये आपका कीटोन होता है। तो एक आपका एल्काइल ग्रुप है, दूसरा एल्काइल ग्रुप तो कभी आ ही नहीं सकता क्योंकि यहां से हाइड्रोजन जाके करेक्ट होगा, तो एल्काइल ग्रुप कार्बन वाला कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा, तो कीटोन तो बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं है ना भाई। इसी वजह से तो ये बात आप बोल सकते हो कि इस मेथड से कीटोन का प्रिपरेशन आप नहीं कर सकते, ओनली आप एल्डिहाइड बना सकते, दोनों का काम नहीं हो पाएगा। आई होप ये तीनों लाइनें आपको समझ में आई होगी। आगे देखो यहां पे क्या लिखा हुआ, रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। अब ये ऐसी चीज है कि जैसे कि अगर आपको नीट का, IIT का इस तरीके के एग्जाम देना है तो डायरेक्ट आप कर लो, उसमें तो कोई थियरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो बोर्ड का एग्जाम देते हैं, जैसे CBSE बोर्ड हो गया, ICSE बोर्ड हो गया, जो भी इस तरीके की चीजें हैं, तो उनको अगर थियरी लिखना होगा तो यहां से देख सकते हैं। जो चीजें मैं किया हूं वही चीजें मैं बता रहा हूं यहाँ। एसिड क्लोराइड कैन बी रिड्यूस इनटू एल्डिहाइड विद हाइड्रोजन इन बॉइलिंग जाइलीन यूजिंग पैलेडियम आर प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट सपोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये जो चीजें मैं बताया, अभी जो चीज एक्सप्लेन किया कि जो एसिड क्लोराइड होता है, जो एसिड क्लोराइड होता है उसका हम किसके प्रेजेंस में कराते हैं, कैन बी रिड्यूज एल्डिहाइड इनटू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड तो बनता ही इससे, और किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजन है, बॉइलिंग जाइलीन है, और उसके बाद बेरियम सल्फेट है ना, पैलेडिनम बेरियम सल्फेट या प्लैटिनम, ये सब चीजें। तो वही बातें बोल रहा है, पैलेडिनम है, बेरियम सल्फेट आर करके आप पीटी कर सकते हो, जाइलीन में ये रिएक्शन होता है, और जाइलीन भी कैसा रहेगा, बॉइलिंग फॉर्म में रहेगा, किस फॉर्म में रहेगा, बॉइलिंग फॉर्म में। तो यहां से आपका क्या बन जाता है, ये जो एसिड क्लोराइड है ये आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लेता है, ये ना बनता भाई, ये देखो ये चीज है, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके से लिखना रहेगा तो ये सेंस आप ऐसे बना के लिख सकते हो, अगर आपकी थियरी आती है जैसे बोर्ड के एग्जाम में, जैसे CBSE ICSE जो भी है, तो इसमें आएगा तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे अगर मान लो आगे देख लेते हैं, ऐसा कुछ भी आए आपका, मान लो ऐसी चीजें आ रही है, ऐसी कोई चीजें आ रही है, मान लो यहाँ पर दिया हुआ है इस तरीके का CL दिया हुआ है और यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है H2PD BaSO4 जाइलीन, बॉइलिंग नहीं लिखा रहेगा तो भी चलेगा। तो इससे तो आप डायरेक्टली पहचान जाओगे ना कि ये आपकी कौन सी रिएक्शन चल रही है, रोजन मुंडन करवाना है यहाँ पे, कराओ मुंडन, इसी का करा दो, COCl है ना, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दो, ये है ना भाई, डबल बॉन्ड H लगा दो, खत्म हो गया भाई, हो गया ना, ठीक है। तो कुछ भी दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, मान लो कुछ भी ऐसे दिया रहे, ये इस तरीके का कुछ दिया है, मान लो ऐसा कुछ दिया है, ऐसा कुछ दिया है, इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो आप पैलेडिनम से करा रहे हो, BaSO4 करा रहे हो, साथ में H2 ले लिए, जाइलीन ले लिए, तो सीधे सीधे देख लो यहां पे, ये जो दिया हुआ है इसी पे आप फोकस करो, और यहां पे डबल बॉन्ड O, यहां H लगा दो, खत्म हो गया। तो कुछ भी इस तरीके से दिया रहेगा तो आप आसानी के साथ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपको रोजेनमुंड बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगले दिन अगले नेम रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, किसी और नेम रिएक्शन के बारे में, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप इसको प्रॉपर देखते रहिए, सारा नेम रिएक्शन आपको बड़े आसानी के साथ समझ में आएगा। अगले दिन अगले नेम रिएक्शन के साथ आएंगे,
तब तक आप इसको देखते रहिए, मस्त एंजॉय करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।